वेलकम टू इलेक्ट्रो जेनेटिक्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं इस अगले वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। तो मैं पिछली वीडियो में मोटर का जो बॉक्स होता है, एक्चुअली ग्राउंड मोटर जितने भी सबमरीन मोटर होते हैं, तो उसका जो बॉक्स होता है उसका ही कंस्ट्रक्शन मैं समझा रहा हूँ। तो आप लोग अगर आप लोग नहीं देखें वो वीडियो, तो जाके देखें। तो मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताऊँगा। तो कॉन्ट्रैक्टर के मैंने तीन टाइप बताए थे, मैनुअल, स्विच और एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टर बताया था। तो एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ब्रेकर ही होते हैं एक तरह से, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ब्रेकर क्या करता है, कोई भी सर्किट को अलग करता है, कोई भी जो मेन्स लाइन है उसे ये अलग कर देता है, ये जो मेन जो लोड है उसको अलग कर देता है, या फिर दूसरे सर्किट को अलग कर सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तो अलग करता ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है कि जब दूसरी दफ़ा लाइन आए, फिर दूसरी दफ़ा इस मतलब कि जब एक बार इधर से अगर सप्लाई अगर रुक गया, तो फिर से अगर सप्लाई इधर से आ रहा है तो उसको फिर वो क्या करता है, आउटपुट में अपीयर नहीं होने देता है। यानी कि अगर फिर से अगर इनपुट सर्किट में अगर दोबारा अगर एक बार मतलब कि इनपुट सर्किट अगर मतलब इधर पे कहीं फॉल्ट आ गया और फिर से अगर दोबारा आता है, तो आउटपुट में वो क्या करता है, नहीं जाने देता है। तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर का यही काम है कि अगर मतलब जो लाइन आ रहा है अगर एक बार मतलब इधर से ऑफ हो गया, तो फिर से दोबारा उसको ऑन नहीं, जो आउटपुट का सर्किट है उसमें ऑन नहीं होने देता। जो आउटपुट जो मोटर वगैरह या कुछ भी लोड डाले हुए हैं उसको फिर से ऑन नहीं होने देता है। लेकिन ब्रेकर में ऐसा नहीं है, ब्रेकर में एक दफ़ा सिग्नल दिए, कमांड दिए, वो एक बार ऑफ हो जाएगा, एक दफ़ा ऑन कमांड हो जाएगा। ये एक्चुअली इसके सेंसिंग पे काम नहीं करता। एक्चुअली जो लाइन आ रहा है, लाइन ऑन न्यूट्रल, अगर मान लीजिए इधर से कट ऑफ होता है, तो ये क्या करेगा, अगर ये कट ऑफ होता है तो ये क्या करेगा, जब कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि ये कट ऑफ हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, जब ये फिर से लाइन आएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑफ कर देगा सर्किट। तो उसका मैकेनिज्म किस तरह से है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल कंट्रोल, ये मैनुअल कॉन्ट्रैक्टर का ये सर्किट डायग्राम है, ये स्विच कॉन्ट्रैक्टर का, यही जो स्विच कॉन्ट्रैक्टर है, यही जो अभी जो पैनल है जो ग्राउंड मोटर है उसमें यूज होता है। मैनुअल कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली बहुत जगह पर यूज होते हैं, जहाँ पे कोई वर्कर वगैरह प्लेस होता है, या फिर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ऑटोमेटिक और ये दोनों इंडस्ट्री में यूज होता है, और ये मतलब मिली जुली मतलब सभी जगह पे यहाँ पे यूज होते हैं। तो हम लोग समझते हैं एक्चुअली जहाँ पे हमको यूज होगा वो वहाँ पे हम लोग हर कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे। तो मैनुअल कॉन्ट्रैक्टर में ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, अब ये क्या किया, ये कॉइल में गया। अब ये कॉइल क्या करेगा, मैग्नेट बनाएगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट बनाएगा, और ये यहाँ पे दो पॉइंट लगा हुआ है। अब ये जैसे कि ये लाइन गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली इसमें इतना इतना मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसमें इतना पावर एक्चुअली नहीं होता है कि ये इसको अटैच कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको कनेक्ट हो जाएगा ये वाला सर्किट, और ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। एक्चुअली अभी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ है, अभी इधर से लाइन से यहाँ पर आउटपुट पर नहीं जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या होगा, ये अभी दोनों अटैच नहीं है आयरन के साथ में, ये मैग्नेट जो बनाएगा वो अटैच नहीं है। अब इस हम सर्किट को कैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये दोनों टच हो जाएगा और इधर से लोड से करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसमें करंट फ्लो होगा, ये जो कॉइल है ये न्यूट्रल, इस तरह से न्यूट्रल बाईपास होता है। तो जैसे ही ये जैसे कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये मैग्नेट बन जाएगा, और ये मैग्नेट बन जाएगा तो इसको क्या करेगा, इसमें पकड़ लेगा ये, और ये क्या करेगा, टच कर देगा, ये क्या करेगा, पकड़ के ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टच कर देगा, और ये क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट कर देगा, और क्या करेगा, ये क्या होगा, ये इस तरह से काम करने लगेगा। अब देखिए लाइन कटेगा तो क्या होगा, जैसे इधर का स्विच ऑफ हो गया, मैं इधर से करंट खत्म हो गया, तो इसमें भी करंट खत्म हो गया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये मैग्नेट नहीं है तो ये छूट जाएगा, तो ये स्प्रिंग इधर लगा है, तो स्प्रिंग इसको क्या करेगा, इसको खींच लेगा इधर कहीं और, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा। तो ये फिर से क्या होगा, सर्किट जब ये लाइन कटेगा तो ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका काम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्विच टाइप का कंट्रोलर रहता है, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग रहेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो ये जो अभी बना रहे थे, ये जो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल है, लेकिन इसको खींचने के लिए एक बटन का यूज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ प्रेस करने के लिए, इसको जब प्रेस करते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, लेकिन इसको एक्चुअली इसको खींचने के लिए एक अलग से एनर्जी कॉइल रहता है, एनर्जी कॉइल, जो कि 5 सेकंड तक उसको प्रेस करके रखिएगा तो वो क्या करेगा, उसको खींच लेगा। इसीलिए ये एनर्जी कॉइल बहुत छोटा होता है, तो ये क्या करेगा कि इसको बोलता है कि ज़्यादा देर तक मोटर में आपको लिखा रहेगा कि 5 सेकंड से ज़्यादा तक दबाए नहीं। यही ग्रीन स्विच है, ये कॉन्ट्रैक्टर का ग्रीन स्विच है। ये क्या करेगा, देखिए अभी इधर से लाइन गया, ये एसी लाइन है, इधर से गया कॉन्ट्रैक्टर का होते, यहाँ से टच पॉइंट्स होकर निकल गया, अभी ये टच नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ से लाइन से लेके एक, ये जो कॉइल है यही एनर्जी कॉइल है, मतलब कि ये एनर्जी देगा और इसको कांटेक्ट कराएगा इंस्टेंटली। तो ये क्या करेगा, जैसे इसको पुश करेंगे 5 सेकंड के लिए, ये क्या करेगा, इस क्लोज को, सर्किट को इधर क्लोज कर देगा, और ये क्या होगा, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इसको खींच लेगा ऊपर, और ये क्या होगा, मैग्नेट की ओर कॉन्टेक्ट बना के रखेगा, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये पिछला ऐसा ही वर्क करेगा, और ये क्या करेगा, इस तरह से कॉन्टेक्ट ये चालू रखेगा, तो लोड सप्लाई होते रहेगा, इधर पे लोड रहेगा, जो मोटर डालेंगे या फिर कोई भी एलईडी बल्ब, सॉरी जो बल्ब डालेंगे हाईली रेसिस्टिव बल्ब, वो काम करेगा। तो इसमें इस तरह का फंक्शन होता है। अब ऑटोमेटिक कंट्रोलर में क्या होगा कि जो ऑटोमेटिक कंट्रोलर है, ये जो स्विच कमांड देख रहे हैं, ये स्विच कमांड को हम लोग बाईपास कर देंगे थ्राइस्टर से। तो हम लोग थ्राइस्टर लेंगे, थ्राइस्टर इस तरह से लेंगे, कुछ थ्राइस्टर हम लोग थ्राइस्टर से इसको क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे यहाँ पे सिग्नल देंगे, तो ये क्या करेगा, थ्राइस्टर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसको शॉर्ट करा देगा, और शॉर्ट करा देगा तो ये क्या करेगा, इसको एनर्जाइज कर देगा। ये एनर्जाइज कॉइल है, एनर्जाइज कॉइल है, इसको एनर्जाइज करा देगा, और ये कॉन्ट्रेक्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअस ऑन बना रहेगा जब तक इधर पे सप्लाई ऑफ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बटन, जो यहाँ स्विच निकाल कर लाए हैं, उसको हम लोग ए पॉइंट और बी पॉइंट से अटैच कर देंगे, और यहाँ पे सिग्नल देंगे, ऊपर का पल्स नीचे का पल्स देंगे, उस तरह से स्विच ऑन ऑफ होगा, मतलब कि इसको ऑन करेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि एसी वाला जो थ्राइस्टर काम करता है वो लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिक जो कंट्रोलर है उसको हम लोग कमांड देंगे। ये बहुत छोटा सिग्नल होता है जो कि बाहर से दिया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, मैनुअल कंट्रोलर, और फिर ये स्विच कॉन्ट्रैक्टर।